एंड इतना रंगोली हो गई है कंप्लीट। अब एक और दो, एक दो खाने भरने को रह गए हैं। तो ये रही नीचे वाली रंगोली। तो ये रहा जी घर का ऑल ओवर व्यू। अभी अंधेरा हो गया है तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, और ज़्यादा अंधेरा हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये रहा जी घर का बीच का ऑल ओवर व्यू। एंड कुछ ऐसे करके पहाड़ों में दिवाली मनाते हैं, घर को बढ़िया डेकोरेट करके एंड नीचे रंगोली बना के। और हमारे इधर इसको 75 बोलते हैं, इधर बाकी काफ़ी जगह होता है बट वो उधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और ये रहा चलारू, और चलारू के अंदर अभी हम अखरोट डालेंगे। और तो फिर इसको अभी मतलब बोलते हैं बलाजा, जो कि जलाते हैं पहाड़ी भाषा में। तो एक एक रीति रिवाज है, जलाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। तो इधर एक बल्ब एक दिन फ्यूज़ हो गया, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं ना, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता था घर। तो चलिए जी इसमें डालते हैं अखरोट, थोड़ा अखरोट डाला है एंड इसको ऐसे करके अब जलाएंगे। जो इसमें बुझा हुआ अखरोट होगा उसको घर के सारे फैमिली मेम्बर में बांट लेंगे एंड उसको खा लेंगे। तो इस तरह से कुछ इसको हम बलाजा बोलते हैं अपनी भाषा में, बाकी मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं क्या नहीं। एक्चुअली तो अभी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन रह गई घर पे। दीप अभी नहीं लगाए हैं, तो दिए सारे मैं लगाएगी इधर से लेकर इधर तक, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड सामने का कुछ ऑल ओवर व्यू अभी का ऐसा है, तो उधर देखो काफ़ी अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं। और इस साइड को क्लाउडी है और इस साइड को कुछ नहीं है, क्योंकि उस साइड को अभी सूरज डूबता है, सनसेट होता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू उस साइड को। ये रे जी भुने हुए अखरोट, तो काफ़ी टेस्टी रहते हैं, तो इनको खाते हैं। और फिर अभी मेरा काम है ऊपर से दिए जलाने, तो अभी ये रह दिए एंड इसको हम जलाएंगे भी। तो लो जी एक दिया इधर लग गया एंड लो जी एक एक उधर। तो ऐसे कुछ डिस्टेंस डिस्टेंस में लगाएंगे एंड फिर आपको बताते हैं व्यू, पहले दिए लगा देते हैं। तो लो जी कुछ दिए से ऑल ओवर व्यू ऐसा है। तो कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है बट काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है अभी का। तो इसमें अभी हम लाइटें लगाएंगे एंड फिर उसके बाद देखते हैं व्यू। तो लो जी ये रही रंगोली, और मतलब अभी टोटली डेकोरेशन हो गई क्लोज। तो ये रही लाइटें, ये रहे दिए। तो अभी आपको दिखाते हैं ऑल ओवर व्यू नीचे से। तो एक्चुअली यार इस डेकोरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और वार लग पड़ी है सबकी इस डेकोरेशन करने में। तो अभी पीछे का ओवर व्यू ऐसा है, बाकी आपको दिखाते हैं। तो लो जी ये रहा ऑल ओवर व्यू, ये लाइटें और ये ऐसे। तो कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, आई थिंक अगर DSLR होता या आईफोन का कैमरा तो काफ़ी अच्छा जस्टिस कर पाता, बाकी नॉर्मल फ़ोन का कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। बाकी जो रियल में व्यू है ना भाई, एक नंबर है कसम से। तो लो जी कुछ ऐसा है घर का ओवर व्यू। एंड आप सभी मुझे इंस्टा पर फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उधर मैंने अभी काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ पोस्ट करी हैं, स्टोरी पे डाली, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक के लिए मैंने उधर स्टोरी डाल भी ली होगी। तो जाके अभी करो फॉलो यार, जस्ट ना करो फॉलो। एंड अभी कुछ ऐसा व्यू है, मैं पहले भाई पूजा कर लेता हूँ, माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेता हूँ कि मेरे पास पैसा वैसा मोटा ही आ जाए। तो एक बार फिर आप सभी को हैप्पी दिवाली। अभी चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ आ रही है, डिम 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 लगी चारों तरफ। तो ये रह जी यहाँ की रंगोली, तो काफ़ी अच्छी है भाई। और कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है, और अंदर कुछ खाना वाना बन रहा है अच्छा। और इधर से काफ़ी अच्छा आ रहा है यार, उतना अच्छा व्यू नीचे से नहीं आ रहा क्योंकि लाइटिंग यहाँ थोड़ी सी कम है।
तो अभी इधर का एरिया सारा ब्राइट ब्राइट हो गया है, तो अगर कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा आई नो, बट सारा का सारा एरिया इतना ब्राइट हो रखा कि भाई एक नंबर बात। तो लो जी, इधर से थोड़ा सा उतना ब्राइट नहीं दिखेगा, कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइटिंग थोड़ी कम है इधर, बाकी आँख इतनी अच्छी जस्टिस कर पा रही है ना भाई साहब, एक नंबर। तो मैं पूजा वूजा करके ख़त्म हो गया हूँ, तो करते हैं कुछ नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू। तो चलिए यार गाइस, इधर कुछ इस तरह से दिवाली सेलिब्रेट की जाती है पहाड़ों में, और अभी का ये टोटल ऐसा है, बाकी अभी क्लोज ही है दिवाली, बस हमने इस बार पटाखे वटाखे नहीं लाए, इन छोटे छोटे बच्चों ने लाए, तो ये लोग तो बाद में पटाखे फाड़ेंगे, बाकी अभी भूख वाख लगी है। तो इतनी ऐसी दिवाली मनाई जाती है, बाकी त्यौहार है यार, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, मिठाइयाँ है, बाकी है पटाखों की वैसे दिवाली होती है नहीं, तो इतनी दिवाली है फिलहाल के लिए। तो गाइज, एक बार आप सभी को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपके जीवन में खुशियां भरे और आप सभी हमेशा खुश रहें। और अभी चारों तरफ से आवाज़ ही आवाज़ आ रही है पटाखों की, हवाई हुई है जो भी फटता है, तो बताना यार घर की डेकोरेशन कैसी हो रखी है। चलिए अभी चलते हैं ऊपर की ओर, और इधर की डेकोरेशन आपको गाइज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये रही रंगोली तो कैसी रंगोली बनी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और इधर की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। तो चलो यार, अभी हम लोग जलाने वाले एक अनार, ये रहा अनार, चलो फिर जलाते हैं। चलिए अब जलाते हैं, इसका नाम है टावर ब्रांड, तो चलिए जलाते हैं। कब बूम मजा, आप ही मजा आया ना बीड़ू। नीचे रखते हैं इसको, तब अच्छा रहेगा ज्यादा। अनार का काम हुआ समाप्त, विशिंग यू अ जॉयफुल एंड हैप्पी दिवाली। एक काम रह गया ऐसे, अभी फुलझड़ी रह गई है, इसको भी जलाते हैं। हमने इस बार पटाखे नहीं लाए थे, तो इस बार इसको जला रहे हैं, पटाखे से ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो चलिए। इसके लिए कम से कम कंटिन्यू हीट चाहिए 20 से 30 सेकंड, फिर जलती है ये। ओ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मुझे नबी जेठालाल की याद आ रही है कसम से, बाकी सारे लोग अंदर खाना बनाने में व्यस्त हैं, तो अभी दीदी मेरी वीडियो खींच रहे और मैं अकेले ही दिवाली मना रहा हूँ भाई, हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली यो। तो चलो यार, अब टाइम आ गया है स्वीट्स खाने का, मिठाई खाने का, बाकी खाना बन रहा है, तो इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। तो बताना कैसी लगी दिवाली, होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना लाइक, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे पहाड़ी लाइफस्टाइल और ऐसे कुछ नई नई स्टाइल के वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे, तो जाके जाते जाते सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी एक बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हाँ, हैप्पी दिवाली।